हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आपको यहाँ पे साइंस प्लस जीके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थोड़े प्रीवियस बेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस हालांकि 10 नंबर की आती, जीके आती 5 नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं एक ही में। भाई देखो, आप लोग जीके ऐड करके दे दिया करेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। जब लोहे की कील में जंग लग जाती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। देखो तो यहाँ पे कील के भार में बढ़ोतरी के साथ, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। प्रकाश विद्युत सेल होता है जो प्रकाश ऊर्जा किस में कन्वर्ट करेगा, बताइए। देखो प्रकाश विद्युत सेल है तो प्रकाश को विद्युत में कन्वर्ट जरूर करेगा, इसको याद ही रखिए। अगला दे, इनमें से कौन सा एक कीटाहारी पादप है। तो तीसरे नंबर का जो राइट ऑप्शन है, घटपणी है जो, वह कीटाहारी पादप। अगला देखते हैं, विद्युत बल्ब में समानता भरी जाने वाली गैसें हैं। तो चौथे नंबर का जो राइट ऑप्शन है ऑर्गन, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। लिखा है कि एक पानी में, भाई एक पानी से भरे गिलास में, चलो ठीक है, कागज़ डाल दिया गया, अच्छी बात है, कागज़ डाल दिया, ठीक है, कागज़ डाल दिया। फिर दोस्तों क्या है कि ये गिलास है भाई, ठीक है, अब इसमें पानी भरा है थोड़ा बहुत, अच्छी बात है। अब इसमें लिखा कागज़ का तवा बगैर पानी गिराया जाए, जल्दी से खींचा जाए, अच्छा नीचे से ऐसे खींच दिया जाए। ज्यादातर किसका उदाहरण है ये दोस्तों, जड़त्व का है, ठीक है, चलो जड़त्व का है, या फिर विराम का नियम भी कह सकते हो, ये न्यूटन का फर्स्ट नियम होता है। अगला दिया गया, लिखा है कि हमारी खुराक में आयोडीन की छोटी मात्रा किसके लिए आवश्यक है। तो छठवें नंबर का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी पार्ट, अधोक्रियाशील अवटु ग्रंथि की क्षतिपूर्ति करने के लिए आयोडीन, ठीक, अवटु ग्रंथि के लिए। चलो अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बनाने वाले दो द्रव रासायनिक गुणधर्म में अत्यंत असमान होते हैं। तो सातवें का यहाँ पे जो मक्खन और पैराफिन अमोमर राइट ऑप्शन बन जाएगा। सोडियम को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि, क्योंकि दोस्तों इसका रीजन आपको बता रहे हैं यहाँ पर डी पार्ट, क्योंकि वह हवा में जल जाता है, ठीक है। आठवें का जो राइट ऑप्शन होगा, सोडियम को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वह हवा में जल जाता है। अगला देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण मापना, ध्वनि प्रदूषण, तो राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा। देखो ध्वनि प्रदूषण मापना डेसिबल हो जाएगा, और ध्वनि की तीव्रता की मात्रा का आप लोग क्या होता है, डेसिबल होता है, ये सब याद रखिएगा। कार करने की दर मतलब W और दर बटे T, मतलब P बराबर W अपॉन T होता है, मतलब P मतलब शक्ति, शक्ति बराबर होता है, कार करने की दर शक्ति होती है, ऐसे समझ लो जैसा। देखो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सूत्र से ही बनती हैं। कार करना की दर, दर के लिए हमेशा बटे T होता है, तो W अपॉन T किसका होता है, P होता है, P मतलब शक्ति होता है भाई। दसवें का डी ऑप्शन राइट है। साबुन या डिटर्जेंट का घोल किस प्रकार का होता है, तो वो क्षारीय होता है। फिर देखो पाँच नंबर की जीके आती है भाई, टॉपिक बेस्ट ले लिया है। अगला दिया, भारत की कौन सी महिला 7 महासागरों को तैरकर पार करने वाली विश्व की पहली महिला, थोड़ी ऐसे कर लें क्वेश्चन, हाँ तो पहली महिला बनी है। तो 26 नंबर का राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, ए पार्ट, बुला चौधरी। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, महाराष्ट्र, यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन ए पार्ट, ट्रांबे हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा गार्विन आश्रम, K2 कहा जाता है। अगला दिया गया, अब ये है, ₹1 के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं भाई, तो बता दो भाई। सबसे पहले देखो लास्ट क्वेश्चन है, आप देखो 1500 वीडियो आपको पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट जाके ले लेना। और अगर किसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रही या कोई दिक्कत है, नहीं देख पा रहे हो प्लेलिस्ट मेरी, तो सबसे पहले कमेंट में सब्जेक्ट जरूर लिख देना कि भाई फिजिक्स की प्लेलिस्ट दे दो, मैथ की भी बना दी मैंने, इंग्लिश की भी, जिसकी प्लेलिस्ट चाहिए सब्जेक्ट लिख देना। और 1-2 घंटे या कभी भी या फिर कमेंट जैसे ही मैं देख पाया तुरंत आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, लिंक सीधा आपको दे देंगे। 120 वीडियो, 100 वीडियो, 300 वीडियो, ऐसी प्लेलिस्ट मैंने बनाई 100-100 करके, तो आपको सीधा प्लेलिस्ट दे देंगे। कमेंट में आप लोग मांग लेना भाई, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो, और ₹1 के नोट में भाई हस्ताक्षर किसको होते हैं, ठीक है, वित्त सचिव के होते हैं, लेकिन ₹1 से अगर ज़्यादा होता है तो फिर वो RBI के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, रिजर्व बैंक के गवर्नर पर, ठीक है। लेकिन ₹1 के लिए केवल वित्त सचिव करता है, और बाकी सब नोट के लिए RBI के, ठीक है। तो 30 का बी पार्ट राइट है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।